वो भी डाउट है हमें कि रह गया था या नहीं, जाके पता लगेगा कि एक्चुअली कल हमने सारी अपनी पुरानी फोटोज देखी तो हमने देखा कि हम उसके सामने से निकल गए बट हम गए नहीं अंदर। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सो हम निकल गए हैं एक छोटे से वेकेशन के लिए। एक्चुअली आज ईद है तो हमारा लॉन्ग वीकेंड है एंड हमारे ऑफिस में दोनों में छुट्टी है तो हमने एक और छुट्टी अप्लाई करी और लॉन्ग वीकेंड हो गया है। हम जा रहे हैं जयपुर। जयपुर नहीं, कुकास, कुकास या कुकस जो भी बोलते हैं। हाँ तो अच्छा, जयपुर से थोड़ा पहले है एक्चुअली। दे हैव अ वेरी लग्जूरियस प्रॉपर्टी देयर तो हम एक बहुत ही अच्छे होटल में जा रहे हैं। प्लीज बने रहिएगा, आगे देखिएगा कौन सा होटल है। काफी दिनों से हमारी नजर थी, हम एक्चुअली पिछले साल से ही सोच रहे हैं कि जाएंगे बट इट्स सो कॉस्टली, मतलब नीचे ही नहीं आ रहे थे प्राइसेस। फाइनली हमने दो तीन दिन पहले देखा कि बहुत अच्छे डील मिल रही थी विन्नी की मेहनत से। सो फाइनली मेन रीजन वैसे डील नहीं था, मेन रीजन ये था कि अब नई गाड़ी ली है तो थोड़ी चलाई भी जाए, तो हमने सोचा चलो हाईवे के मजे लिए जाते नई गाड़ी पे। हाँ बहुत ही अच्छा मौसम है, मैं आपको दिखाती हूँ और काफी कम्फर्टेबल राइड होने वाली है। वी आर वेरी एक्साइटेड। सो या मिलते हैं आगे, आपको दिखाती हूँ मैं आगे क्या होता है। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं था, तो सोच रहे हैं कि मतलब ब्रंच कर लेते हैं रास्ते में रुके, तो अभी मन्नत में रुके हम लोग। कहाँ रुके? मन्नत में रुके हैं। अच्छा बनाया हुआ है। तो हमने चाय मंगाई है और आई एम हैविंग डोसा, विन्नी इज हैविंग हर यूजुअल थाली। विन्नी को थाली खाना बहुत पसंद है। मैं ऐसा खाता हूँ जिससे कि ना कम से कम अगले 6-7 घंटे तक भूख ना लगे, जब तक खाए ही नहीं है। वैसे तो ठीक है ना, खा लो। फाइनली आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ड्राइव हम पहुंच गए हैं और बहुत बारिश हो रही है। एक्चुअली ये लोग ना एंट्री में वैसे फूलों की वर्षा करते हैं। हाँ, लेकिन अभी बारिश हो रही है तो वो तो कट गया। तो अभी छाता लेके खड़े हैं सब। आई गेस वैले पार्किंग है एंड दे आर गोइंग टू टेक अस। देखते हैं, बट बहुत ही रॉयल लग रहा है। मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से। फेयर माउंट जयपुर, बहुत ही अच्छा बना रखा है इन लोगों ने। बारिश की वजह से थोड़ा चीज़ें गड़बड़ हो गई है बट नेवरदलेस वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। वैसे और भी चीज़ें होती है बट वेदर की वजह से कुछ कुछ तो मतलब कर दिया है, बट उन्होंने गोल, लेकिन ठीक है जितना कर सकते वैसे कर रहे हैं। काफ़ी एक्चुअली भीड़ भी है यहाँ पे, बहुत लोग आए हैं, बहुत लोगों का चेक इन चल रहा है। लॉन्ग वीकेंड है इसीलिए शायद। इट्स गुड, इट्स अ न्यू फीलिंग।
दिस इज द रूम. ओ माई गॉड, दिस इज सच अ लग्जरी. दिस इज अ बाथरूम. आई विल शो यू, इट्स सच अ लग्जरी थिंग. When you enter, actually we got a twin room, but twin bed set. But ये एक bed भी बहुत बड़ा है, like for two people it's enough. And यहाँ पे TV लगा हुआ है, where there is a small counter here. They have a fresh fruit, and we got the view of Aravali. Actually they upgraded us. मैं तो अपना chill कर रहा हूँ bed के already. And this is the room view. Oh my god. And the special part is. हाँ, the special part is here. Just see. This is the bathroom. Oh my god. Such a luxury. This is called a hammam. This is a shower cubicle. And I think यहाँ पे आपका for you do your business. This is one basin. This is another one. This is me. This is very good. This whole thing is very good. They gave us few complimentary things as well, I guess. Spa complimentary hai, some rides are complimentary. बाहर आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर तो बहुत चिल कर रखा है इन लोगों ने. विन्नी को तो ठंडी लग गई है. विन्नी कैसा लग रहा है बाहर आके? यहाँ तो बहुत ठंडा कर रखा है, पता नहीं कैसे इतना ठंडा. और हमने तो बंद ही कर दिया इसे इसके बाद. हाँ, पता नहीं ठंडा बहुत ज्यादा ही चिल कर रखा है. बंद करे हुए हो गए 4 घंटे, उसके बाद भी चिल हो रखा है. ऐसा लग रहा है जैसे विंटर चल रही हो. राइट, वहाँ पे वो स्विमिंग पूल है, अभी हम नीचे जाएंगे. अच्छी है प्रॉपर्टी, अच्छी बना रखी है. कि क्या ट्रिक है भैया, हम अपने घर में भी ऐसी ठंडा कर ले रहे. हमारे यहाँ तो एसी बंद करो तो 2 मिनट में पसीना छूट जाए. शॉपिंग आर्केड भी खुला हुआ है. दे हैव डिफरेंट डिफरेंट शॉप्स. ये थोड़ा मॉन्यूमेंट्स और वो सब के लिए बना रखा है. बट फॉर सम रीजन ऑल ऑफ दीस शॉप्स आर एम्प्टी. हां, थोड़े एम्प्टी है. बाकी फॉर सम रीजन वी डोंट नो व्हाट. बाकी ये कुर्तों की शॉप भी है, काफी अच्छा लग रहा है. बट ऑब्वियसली प्राइसेस विल बी स्काई रॉकेट. इट विल बी टू हाई. दिस इज द रिसेप्शन एरिया. यहां पे यहीं पे आपका स्वागत होता है व्हेन यू एंटर. गुड मॉर्निंग, इट्स द नेक्स्ट डे इन फेयरमोंट जयपुर. तो हम अभी ब्रेकफास्ट करके आए हैं. इट्स अ वेरी सनी डे. आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, इट्स सो गुड. कल से वेदर है नहीं. हाँ, कल से वेदर एकदम ऑपोजिट है आज. अभी हम सोच रहे कहीं पे तो घूम के आएंगे, बट देखते हैं. विल विजिट सम फोर्ट, देखते हैं कौन सा फोर्ट. एक्चुअली हम पहले जयपुर आ चुके हैं तो हमने देखा हुआ है. बट या होकर निकल गए हैं आमेर फोर्ट दर्शन के लिए. जयपुर हम एक बार आ चुके हैं, हमने घूमा हुआ है. आमेर फोर्ट शायद हमारा रह गया था, वहाँ पे थोड़ा चलना पड़ता है. तो लेट्स सी अभी कैसा आता है. वो भी डाउट है हमें कि रह गया था या नहीं, जाके पता लगेगा कि. हाँ, एक्चुअली कल हमने सारी अपनी पुरानी फोटोज देखी तो हमने देखा कि हम उसके सामने से निकल गए, बट हम गए नहीं अंदर. तो अभी दोपहर को कुछ था नहीं अभी करने के लिए, तो वी थॉट कि मौसम भी थोड़ा ठीक हो रहा है तो लेट्स हेड आउट एंड देखते हैं क्या होता है.
बाकी आपको भी दिखाते हैं कैसा है आमेर फोर्ट। सो ये है आमेर फोर्ट, बहुत भीड़ है। थैंक्स टू विन्नी एंड आवर न्यू कार, हम एकदम गाड़ी ऊपर तक लेके आए हैं। कैसा रहा विन्नी तुम्हारा? बीच में काफी स्टीप था। हाँ, बड़ा अच्छा है कि अच्छी टेस्टिंग हो गई। हाँ, ऑटो होल्ड फीचर वगैरह बहुत अच्छा है उसमें, बहुत अच्छा फीचर वो हो जाता है। नेक्स्ट टाइम माउंटेन पे कभी जाएंगे तो बताएंगे क्या। घूम के हम आ गए थे वापस होटल शाम की हाई टी लेने के लिए, एंड इट वाज सो यमी। बहुत कुछ था वहाँ पे, पाव भाजी, पकौड़े, चाय, एंड बाहर बहुत ही अच्छी बारिश हो रही थी। वी गॉट अ वेरी बेटर सीट जहाँ से मैं अच्छा सा व्यू आ रहा था, बहुत मज़े किए। उसके बाद हम शाम को निकल गए एक्सप्लोर करने के लिए होटल। गाइस अभी हम आए हैं प्रॉपर्टी के टेरेस पे। हाँ, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। व्यू देखो यहाँ से, व्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे कितने अच्छे ऐसे लेयर्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे सबको लेयर्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम राजस्थान में। रात का व्यू ऑफ फेयरमोंट जयपुर बहुत ही अच्छा है। हमने अभी डिनर किया एंड अभी हम रेस्ट करने बैठे हैं। ये है विन्नी। विन्नी कैसा रहा डिनर तुम्हारा? डिनर तो सही था, इन्होंने जो आग लगा रखी है ये सही है। कल तो नहीं लगी हुई थी बिकॉज ऑफ रेन, बट आज, बट इसमें से भी देखो कुछ नहीं जल रहे, उनका तेल ख़त्म हो गया होगा। दिस इज द ग्रैंडियर ऑफ दिस होटल। काफ़ी अच्छा लाइट्स वाइट्स जल रही है हर जगह। यहाँ पे इनका खाने का है इन हाउस, गेस्ट इन हाउस, और बफे इनका यहाँ पे लगा हुआ था। इट्स गुड, विन्नी यहाँ पे बैठ के चिल कर रहा है। हमने थोड़ी देर बाहर चिल किया क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया था, और फिर हमने बातें करी। इट्स गुड कि हम लॉन्ग वीकेंड पे स्टेकेशन के लिए निकल आए, काफ़ी टाइम बाद हम ऐसे निकले थे, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ गाइज, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इस व्लॉग में, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर, प्लीज़ सपोर्ट। थैंक यू।